हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम आसानी। मेरा नाम है सौरभ और एसक्यूएल सीरीज के इस वीडियो में आज हम जानेंगे अपडेट क्वेरी के बारे में। तो क्या होता है अपडेट क्वेरी? देखिए, अपडेट क्वेरी के मदद से हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स है उन टेबल्स के अंदर जो डेटा मौजूद है उन डेटा को अपडेट कर सकते हैं। जो एग्जिस्टिंग डेटा हमारे पास है उन डेटा को अगर हम अपडेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रोल नंबर 1 का नाम हम चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, एड्रेस हम चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो जैसे आप फेसबुक पे या ट्विटर पे या कहीं पे भी आपका अकाउंट है वहाँ पे करते हो, एडिट पे क्लिक करके आप अपडेट करते हो, तो जो जब आप अपडेट बटन को क्लिक करते हो, फॉर एग्जांपल आपने फ़ोन नंबर चेंज किया, ईमेल चेंज किया, पासवर्ड चेंज किया, चेंज करने के बाद आप अपडेट बटन पे क्लिक करते हो, उसके बाद क्या होता है, अगर वो जो आप साइट यूज़ करते कर तो अगर आप जो साइट यूज़ कर रहे हो तो अगर उस साइट ने मान लिया कि एसक्यूएल या फिर माई एसक्यूएल, एसक्यूएल राइट लाइट एज ए डेटाबेस यूज़ कर रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, एक एसक्यूएल क्वेरी फायर होगा। जो भी प्रोग्रामर्स ने वो वेबसाइट बनाया है उन्होंने एसक्यूएल क्वेरी लिखा होगा तो वो एसक्यूएल क्वेरी फायर होगा, आपको नहीं दिखेगा लेकिन वो फायर होगा और डेटाबेस में टेबल्स होगा, वो टेबल्स अपडेट हो जाएगा, उसके बाद आपका फ्रंट एंड में वो एक्चुअल डेटा शो करेगा, जो अपडेट होने के बाद जो डेटा आएगा वो शो करेगा। तो इस तरह से काम होता है। तो आप जब एक्चुअल प्रोजेक्ट में काम करोगे तो ये सब चीज़ और भी अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो फिलहाल तो जान लेते हैं कि कैसे किस तरह से हम टेबल को अपडेट कर सकते हैं। तो बेसिक सर सिंटैक्स है, अपडेट करने के लिए अपडेट कीवर्ड लिखना पड़ता है, स्पेस दे के टेबल का नाम, फिर लिखना पड़ता है सेट। सेट के मदद से आप वैल्यू सेट करोगे। तो किस तरह से वैल्यू सेट करोगे, देखिए कॉलम का नाम लिखेंगे, फिर इक्वल, फिर वैल्यू। अगर मल्टीपल कॉलम को हम चेंज करना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, कॉमा देंगे, कॉलम नेम वैल्यू, फिर कॉमा देंगे, कॉलम नेम वैल्यू। तो इस तरह से हम मल्टीपल कॉलम्स को चेंज कर सकते हैं। अब वैल्यू जब लिखना है तो वैल्यू अगर स्ट्रिंग है तो सिंगल कोट्स के अंदर लिखना है, वैल्यू अगर नंबर है तो सिंगल कोट्स ना दो तो भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद हमें वेयर लिखना है, वेयर के बाद कंडीशन लिखना है। वेयर कंडीशन क्यों देना है, यहाँ पे कंडीशन इसलिए लगता है, फॉर एग्जांपल आप अपडेट करना चाहते हो तो किसकी वैल्यू अपडेट करना चाहते हो, आप कोई कंडीशन होगा ना, आप जिसका आईडी 1 है उसका वैल्यू अपडेट करना चाहते हो, तो यहाँ पे वेयर आईडी इज इक्वल 1 ऐसे लिखना है। फॉर एग्जांपल आप अगर अपना फेसबुक प्रोफाइल अपडेट कर रहे हो, प्रोफाइल पे अपना फ़ोन नंबर ईमेल चेंज कर रहे हो तो आपका एक यूनिक आईडी होगा, तो यहाँ पे कंडीशन के फॉर एग्जांपल आपका आईडी है 531, तो यहाँ पे कंडीशन लगेगा वेयर आईडी इज इक्वल 531, तो आपका ही आईडी अपडेट होगा, नहीं तो सभी का अपडेट हो जाएगा। आप अपना नाम चेंज करोगे फेसबुक के जितने नाम है सभी चेंज हो जाएगा, तो इसलिए हम कंडीशन लिखते हैं अपडेट क्वेरी के टाइम। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए एक एम्प्लॉय टेबल है और वहाँ पे हम अपडेट करेंगे, अपडेट द रिकॉर्ड्स ऑफ द एम्प्लॉई हुज आईडी नंबर इज 2। यहाँ पे रिकॉर्ड्स नहीं रखते, यहाँ पे एक काम कर देते हैं कि यहाँ पे एड्रेस कर देते हैं, तो जिस भी एम्प्लॉय का आईडी नंबर 2 है उसका हम एड्रेस अपडेट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आईडी नंबर 2 किसका है, शाम का है, तो शाम का एड्रेस हम चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे, सिंपली अपडेट लिखने पे, अपडेट लिखने के बाद टेबल का नाम, उसके बाद सेट, सेट लिखने के बाद कॉलम नेम, हमारा कॉलम नेम क्या है, एड्रेस, ये हमारा कॉलम नेम है एड्रेस, तो एड्रेस इज इक्वल हम कर देते हैं पुणे, ठीक है, कोलकाता था उसको हम पुणे कर दिया, वेयर आईडी इज इक्वल 2, वेयर क्लॉज उसके बाद आईडी इज इक्वल 2। तो हम ऐसा करेंगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे उसके बाद सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय करेंगे तो हमारा ये पूरा टेबल शो हो जाएगा और हम देख सकते हैं कि वहाँ पे ये एड्रेस चेंज हो चुका है। तो अगर हम अपडेट द रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉय हुज आईडी नंबर इन द टेबल हुज आईडी नंबर इज 2 इन द टेबल, तो अगर हम सभी रिकॉर्ड्स को अपडेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल नेम, एज, एड्रेस, सैलरी, सभी कॉलम्स को अपडेट करना चाहते हैं जो आईडी जिसका आईडी नंबर 2 है, तो क्या लिखेंगे हम, सिंपली अपडेट एम्प्लॉई
सेट नेम इज इक्वल, नेम को चेंज कर देंगे, फिर कॉमा देके सेकंड कॉलम का नाम लिखेंगे, एज इज इक्वल 30 लिखेंगे, चेंज कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे देखिए, जब हम हमें नंबर लिखा तो तब यहाँ पे कोई इनवाइट कॉमा नहीं दिया, फिर उसके बाद कॉमा देके एड्रेस कोलकाता कर दिया, कॉमा देके सैलरी 7000 कर दिया, 70000 कर दिया, वेयर आईडी इज इक्वल टू। तो मल्टीपल कॉलम हो तो यहाँ पे कॉमा देके लिखना है, ठीक है। तो ऐसा करेंगे तो देखिए आईडी नंबर, फिर उसके बाद हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई, सेमी कॉलन एंटर देंगे तो ये हमारा टेबल शो हो जाएगा। तो अब देखिए आईडी नंबर टू का नेम, एज, एड्रेस, सैलरी सब कुछ चेंज हो चुका है। तो इस तरह से हम अपडेट करते हैं टेबल पे। तो होप वीडियो आपको समझ में आया हुआ है। अगर आपके मन में भी कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट्स करके या फिर मुझे मेल करके बता सकते हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आएगा उसे भी प्रेस करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।